हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो इंटरनल स्टाइल शीट को लेकर के है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल इनलाइन तीन तरीके से सीएसएस की कोडिंग करी जाती है, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करके कैसे हम कोड लिखें कि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। जी हाँ, इंटरनल स्टाइल शीट की कोडिंग करनी है जिससे कि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो, ठीक है। तो आइए समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहां से मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूं। नोट पैड इजिली आपके पास अवेलेबल होगा, सारे लोग नोट पैड यूज तो करते ही हैं, तो इस वजह से मैं कोडिंग नोट पैड पर ही करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहां से ये नोट पैड ओपन किया हमने, और ओपन करने के बाद यहां पर एक कोडिंग पहले से आपको दिख रही होगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की कोडिंग है। तो ये जो है, यहां से जाके न्यू पेज हम ले लेंगे, न्यू टैब, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले आपको दिखाता हूं एक्सटर्नल स्टाइल शीट किसे कहते हैं। देखिए, यहां पर मैंने लिखा बॉडी, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पर लिख देता हूं बैकग्राउंड। क्या लिखता हूं, BACKGROUND। तो ये लिख दिया बॉडी बैकग्राउंड, और बॉडी बैकग्राउंड लिखने के बाद हम यहां पर देंगे डैश, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं कलर, और कलर कौन सा दे देंगे, यहां पर मान लीजिए हमने रेड कलर दे दिया, तो ये रेड हो गया। अब इसे टर्मिनेट करेंगे, क्लोज, यहां पे सीधा टर्मिनेट करके इसको क्लोज करेंगे, यानी कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। तो ये हो गया बॉडी बैकग्राउंड, कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अब इसको सेव करना है, तो यहां फाइल पे जाके, सेव पे जाके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो यहां से डेस्कटॉप पर मैं इसे सेव करता हूं। तो ये देखिए, ये डेस्कटॉप है हमारा, और यहां पर इसको डॉट सीएसएस एक्सटेंशन के साथ सेव करना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसे सेव करता हूं HTML एंड CSS .css एक्सटेंशन होती है CSS के फाइल की, तो ये तो हमने दे दिया। लेकिन इससे फायदा क्या पहुंचेगा, ये भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पे जाकर के न्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ से HTML की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया HTML, फिर हो गया हेड, फिर हो गया टाइटल, TITLE टाइटल। और टाइटल में क्या दे देंगे, टाइटल में हम दे देंगे यहाँ पर लाइक सपोज कीजिए कि बैकग्राउंड कलर, क्या दे देंगे, बैकग्राउंड कलर। तो ये हो गया टाइटल हमारा, और इसको क्लोज किया, और यहाँ पे टाइटल जो है इस तरीके से लिख देंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे, और हेड क्लोज करके यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं देना है। करना क्या है यहाँ पर, तब जब बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिंक, ठीक है। एक टैग आता है लिंक, REL, और इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और लिंक रेल में हम क्या देंगे, यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में देंगे स्टाइल शीट, ठीक है। इस तरीके से स्टाइल शीट दे दीजिएगा, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इंटरनल आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। HREF में क्या देंगे, उस फाइल का नाम क्या था, जरा सोचिए उस फाइल का क्या नाम था। तो यहां पर HTML एंड CSS उसे नाम दिया था, तो यहां पर लिख दीजिए HTML एंड AND लिखा हुआ है, ठीक है, और CSS .css यही फाइल का नाम था। तो जो फाइल का नाम था वो हम दे देंगे, और दे करके क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, यानी ये जो टैब यहाँ पे ओपन किया था हमने, एंगुलर ब्रैकेट, इसे क्लोज करिएगा, और फिर यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करिए इस तरीके से, BODY बॉडी लिख करके, और इसको क्लोज कर दीजिए। फिर यहाँ पर HTML लिख के क्लोज करिए, तो ये बॉडी और HTML दोनों लिख के क्लोज किया, और यहाँ से इसको सेव करने की बारी है। तो अब डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मिक्स के नाम से मैं सेव करता हूँ, mix.html, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब इसको चलाने की बारी है, तो देखिए mix.html आया होगा कहीं डेस्कटॉप पर, ये देखिए ये रहा, और डबल क्लिक करेंगे और इसे चलाएंगे। तो यहां पर देखिए ये कलर कौन सा प्रिंट हो रहा है, रेड कलर। जबकि आप देख सकते हैं कि यहां पर कोडिंग के अंदर, जो हमने कोडिंग करी है, इसके अंदर कहीं भी हमने बॉडी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है ना। अगर मैं यहां से चेंज कर देता हूं, देखिए, यानी कि यहां से चेंज करता हूं, देखिएगा ये जो हमारी कोडिंग है इसमें चेंज कर देता हूं। अगर मैं इसका कलर ब्राउन कर देता हूं, BROWN, तो यहाँ पे कलर अपने आप बदल जाएगा, जो रेड लग रहा था वो अब किसी और कलर में हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत है बस। तो देखिए ये कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिक, देख रहे हैं। तो ये कोडिंग है इंटरनल, बल्कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, और अब हम देखने वाले हैं इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। तो अब हमें इंटरनल देखना है। तो इंटरनल में आपको दो अलग अलग कोडिंग नहीं करनी होती है, सिंपली एक ही कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे HTML लिखा, और HTML लिख के हेड लिखते हैं, ठीक है, HEAD हेड लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे टाइटल भी दे ही देते हैं। तो यहाँ पे हो गया टाइटल, टाइटल में दे देते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, क्या दे देंगे, इंटरनल देना है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, INTERNAL इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल स्टाइल शीट इस तरीके से।
और यहां पर टाइटल को क्लोज कर दीजिएगा क्योंकि टाइटल का काम खत्म हो गया, लेकिन हेड अभी क्लोज नहीं होगा। यहां पे ओपन करेंगे स्टाइल टैग, ठीक है, ये इंटरनल स्टाइल सीट है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहां पर अब क्या करेंगे, बॉडी टैग ऐसे लिखेंगे जैसे आप एचटीएमएल में नॉर्मली लिखते हो, वैसे नहीं लिखना, ऐसे लिख करके कर्ली ब्रेसेस लगा करके ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और यहां लिख दीजिए बैकग्राउंड डैश दे दीजिए कलर, COLOR, कलर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। और यहां पे कर देते हैं लाइट ब्लू, क्या करते हैं लाइट ब्लू, ये कर दिया लाइट ब्लू, ठीक है। अब ये लाइट ब्लू करके यहां पे टर्मिनेशन देंगे, टर्मिनेशन समझते हैं ना, सेमी कॉलन, ठीक है। अब एंटर कर दीजिएगा, कलर बैकग्राउंड का इससे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टाइल को क्लोज करेंगे, यहां से स्टाइल को क्लोज किया, हेड को क्लोज करेंगे, ये हेड क्लोज हो जाएगा, HEAD हेड क्लोज हुआ। और हेड को क्लोज करने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करेंगे, BODY बॉडी, ये ओपन हुआ, एंटर किया। और यहाँ पर H1 लगाएंगे, H1 कुछ लिख देते हैं H1 में, जैसे हेलो वी आर यूजिंग इंटरनल। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको नीचे जाना होता है, तो नीचे जाने के लिए क्या करते हैं, तो नीचे जाने के लिए आपको खाली BR लगाना है, लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, बदलने के लिए लाइन BR टैग लगा दीजिए। स्टाइल सीट, तो ये इंटरनल तक तो एक लाइन में आएगा और स्टाइल सीट दूसरे लाइन में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया और यहाँ पे H1 को क्लोज कर दिया। H1 को क्लोज करने के बाद क्या करना है, जैसे ही H1 को क्लोज करेंगे तो H1 को क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पर बॉडी को और HTML को भी क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ हम देने वाले नहीं है, बस इतना ही। और यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, देन HTML क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज करके इस तरीके से बंद करके इसको सेव करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं फिर से, तो ये डेस्कटॉप पे गए और यहां पर इंटरनल के नाम से सेव कर देते हैं, तो ये हो गया internal.htm, ये हो गया। अब देखिए internal.htm कहीं आया होगा इसमें, ये देखिए ये रहा, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये किस कलर में आ रहा है, ये लाइट ब्लू कलर में आ रहा है, देख रहे हैं। और अगर इसमें हम चेंजेस चाहते हैं तो इसकी कोडिंग को ओपन करके इसका कलर बदल सकते हैं, तो यहां पर जाकर के राइट क्लिक करके, देखिए राइट क्लिक कर रहा हूं, और यहां से ओपन विथ पे जाएंगे और इसको किसी भी टेक्स्ट जैसे नोटपैड पे ही ओपन करते हैं, नोटपैड पे ही हमने कोडिंग करी थी। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर लाइट ब्लू के अलावा लाइट ग्रीन देना है आपको, तो यहां पे ग्रीन कर, खाली ग्रीन करते हैं, GREEN, तो ग्रीन करेंगे तो ये कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर आए और ये हमारा आउटपुट है और डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ग्रीन में चेंज हो गया। तो जो जो कलर लगाएंगे ना उसी उसी कलर में ये चेंज होते जाएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अच्छा मान लीजिए कि H1 का भी कलर बदलना हो, यहाँ पे देख सकते हैं ये H1 जो लिखा है ये तो जनरली इसका आउटपुट आ रहा है ब्लैक कलर में, तो इसका भी कलर बदलना पड़े तो क्या इंटरनल स्टाइल शीट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे होंगे आइए देखते हैं। यहां पर आएंगे ना तो ये बैकग्राउंड कलर तो हमने ग्रीन रख दिया है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर आकर के हम लगाएंगे H1, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस तो क्लोज हो गया, यहां पे लगाएंगे H1, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। और ओपन कर लेने के बाद जैसे ही ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो यहां लिखेंगे कलर, ठीक है, और ये कर देते हैं यहां पे रेड, कलर क्या कर दिया हमने H1 का रेड कर दिया। और रेड करने के बाद हमें यहां पे टर्मिनेशन देना है और टर्मिनेशन देके इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो अभी तो यहां पर आउटपुट यही हमने ओपन किया है, रिफ्रेश तो किया नहीं है कि कुछ होगा, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करते इसका कलर देखिए क्या हो गया, रेड हो गया, यानी कि आपको जो भी कलर चाहिए हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप अब H2 का कलर बदलना चाहते हैं तो यहां पे आप लिखिए सिंपली H2, यानी हेडिंग 2 है, ठीक है। और इसका कलर क्या रखना चाहते हैं, इसका कलर हम रखना चाहते हैं सपोज कीजिए ब्लू, ठीक है, तो ये केवल ब्लू कर दिया है और यहां टर्मिनेट कर दिया है और इसको यहां से कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, और कंट्रोल एस करके यहां से अब इसको हम फिर से रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो अभी तो हमने H2 में कुछ दिया ही नहीं है, तो H2 में एक बार हमें कुछ देना भी होगा, नीचे तो केवल H1 ही है, H2 तो है ही नहीं, तो यहां पर आकर के यहां H2 कर देते हैं और H2 में लिख देते हैं इंटरनल स्टाइल सीट, ये एक ही बार में मैं लिख देता हूं स्टाइल सीट SHEET, ठीक है। और यहां पे H2 को क्लोज कर दिया और क्लोज करके कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल एस करके यहां से इसको क्लोज करेंगे और यहां पर आएंगे तो ये देखिए ये यहां पे देख रहे हैं ये ब्लू कलर में आ गया, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है।